तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो मैं गेम टेस्ट करने जा रहा हूँ वो है मॉन्स्टर जैम स्टील टाइटन 2। अब इस गेम का नाम मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ यार, नाम तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। बट अपने किसी भाई ने बोला था कि भाई इस गेम को टेस्ट करो, अपने कॉमेंट सेक्शन में बोला था कि भाई इस गेम को पक्का टेस्ट करना। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, तुमने बोला तो मैं टेस्ट क्यों ना करूँ। तो भाई मैं भी इसको गेम को फुल टेस्ट कर लिया जाएगा। और इसके लिए जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो है अवितापुरा का, और स्पेसिफिकेशन वही है भाई जो आपने थंबनेल टाइटल में देखा, अवितापुरा का वही राइजन 535 IGPU वेगा 8 है। तो हाँ यार, यही रहेगा। और इस सेटिंग पे हम देख लेंगे कि क्या क्या हमें FPS मिल रहा है। लो सेटिंग पे भी हम देखेंगे और हाई सेटिंग पे भी देखेंगे, सब सेटिंग पे देख लेंगे क्या कुछ FPS मिल रहा है। तो अभी तो मैं लो सेटिंग पे करके दिखा देता हूँ कि मुझे क्या FPS लो सेटिंग पे मिल रहा था। तो हाँ यार, मैंने सेटिंग को कर लिया है लो पर, 720p रेजोल्यूशन है। अब इससे नीचे रेजोल्यूशन नहीं ले जाएंगे क्योंकि इससे नीचे ले जाने में गेम ख़राब दिखता है। तो चलो यार, मैं गेम प्ले पे आ चुका हूँ और लो सेटिंग पे FPS कम क्यों मिल रहा है? इतना तो कम नहीं मिलना चाहिए, पता नहीं कोई रीज़न हो सकता है। अभी जस्ट हमने गेम से शुरू किया, इस ये वजह से हो सकता है या कोई और भी वजह हो सकता है। बट या चलो थोड़ी सी खेलते हैं, उसके बाद हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि सही में गेम में कोई इशू है या गेम अनऑप्टिमाइज है। ऐसा मैं रिकॉर्डिंग का यूज़ कर रहा हूँ तो ये बात याद रखना, ठीक है? अगर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ तो गेम अच्छा चलेगा, क्योंकि मैंने गेम को खेला है, गेम अच्छा चलता है, बट रिकॉर्डिंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो विदाउट रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, विदाउट रिकॉर्डिंग सारे सेटिंग पे देखेंगे, सिर्फ लो सेटिंग पे हम रिकॉर्डिंग के साथ देख ले रहे हैं। तो चलो यार, इन्जॉय करो, देखते हैं कैसा है गेम। गेम में पहली बार खेल रहा हूँ, कोई मॉन्स्टर ट्रक है, इसको भाई चलाना है, उछलाना है और कुछ कुछ अचीवमेंट्स होते हैं उसको पूरा करना है। और ये ऑनलाइन भी खेल सकते हैं किसी फ्रेंड के साथ, और एक दूसरे में टक्करबाजी और रेस लगा सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है इस गेम का शायद है। तो हाँ यार, देखते हैं कैसा गेम है। ऐसे मुझे गेम का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, मतलब अगर आप ऑनलाइन खेलते हो तो काफ़ी मज़ा आने वाला है यार, फ्रेंड के साथ इधर उधर गाड़ी ठोकना, टकराना, रेस लगाना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। बट इसको ऑफलाइन खेलने में शायद उतना मज़ा ना आए। मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, गाड़ी वाड़ी उछलाना है, गिराना है, और ख़ास करके आप अगर कंट्रोलर पे इस गेम को खेलते हो तो उस वक्त जो आपको वाइब्रेशन फील होता है ठुकने पर गाड़ी इधर उधर, वो काफ़ी अच्छा लगता है यार, सच बोल रहा हूँ, मज़ा आता है। और अभी मुझे मज़ा भी आ रहा है, बट अभी FPS काफ़ी कम मिला रिकॉर्डिंग की वजह से। बट कोई नहीं यार, हम विदाउट रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत खेल लेते हैं रिकॉर्डिंग के साथ। तो हाँ यार, मुझे 20 FPS में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने इतना गेम टेस्ट करा हूँ ना 20 FPS में कि मुझे भाई आदत सा हो गया, तो मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन विदाउट रिकॉर्डिंग इससे ज़्यादा FPS मिलेगा तो तब मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गेम अचानक से स्मूथ लगने लगेगा भाई। तो हाँ यार, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, और मैं मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, पेड़ वेड़ भी ठोकने पर टूट जाता है बिल्कुल। तो गैस, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा यार, आप में से बहुत लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो भाई कोई बात नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी। आप मेरे कॉन्टेंट से ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हो, या फिर ज़्यादा इस टाइप के कॉन्टेंट आप नहीं देखते हो, कोई बात नहीं। बट एक चीज़ कर दिया करो, अगर आप मेरी वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प होती है, अगर आप जैसे मान लो ये गेम है, इस गेम का आपने टेस्ट देखा, FPS देखा, सब कुछ मैंने दिखाया, तो आपको अगर इससे हेल्प हुआ थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कर दो। क्योंकि देखो, लाइक करने से क्या होगा, यूट्यूब जो है उनको लगेगा कि मेरे वीडियो को लोग जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिससे है ना वीडियो और लोगों तक जाएगा, जिससे और लोग भी देख सकेंगे, उनकी भी हेल्प हो पाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी इससे छोटी सी। तो हाँ यार, ये कर दिया करो ताकि यूट्यूब को लगे कि भाई लोग वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स भी देते हैं लाइक करके या फिर कॉमेंट करके। तो ये चीज़ें ज़रूर किया करो, और हाँ यार इन्जॉय करो। ऐसे मुझे गेम खेलने में मज़ा आ रहा है यार, अब FPS थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, देखते हैं आगे चले वाले के। अब मुझे इसमें कोई मैप वैप और दिखा नहीं, आई थिंक होगा मैप, मैंने अभी ज़्यादा अच्छे ट्राई नहीं किया है, अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का टाइम भी नहीं मिला, मैंने बस गेम डाउनलोड किया और टेस्टिंग पे भाई लगा दिया हूँ सीधा। ऐसा रिकॉर्डिंग के साथ गेम को इन्जॉय बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो अभी हम विदाउट रिकॉर्डिंग देख लेते हैं हमें कैसा FPS मिल रहा है। तो हाँ यार गाइज, मैं विदाउट रिकॉर्डिंग आ गया हूँ और गेम हमारा शुरू हो चुका है, सेटिंग वही है, 720p लो सेटिंग है। तो अब हम 720p लो सेटिंग में देख लेते हैं कैसा चल रहा है। तो गेम तो भाई बहुत स्मूथ हो गया है, पहले से देखा जाए तो पहले 20 FPS दे रहा था, 20 28 ऐसे कुछ ही FPS दे रहा था बहुत से बहुत, अभी तो अच्छा FPS दे रहा है, मतलब 30 मिल जा रहा है, 30 से ऊपर भी चला जा रहा है। तो यही तो चाहिए यार, मतलब इतना प्लेबल है, 40 भी मेरा 42 हो गया, टेम्परेचर भी देखो तो टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं है, 73 है, तो यार टेम्परेचर भी अच्छा है। अब जो है मुझे तो सही लग रहा है भाई। अब मैंने ये टेस्ट जब मैंने विदाउट रिकॉर्डिंग जब टेस्टिंग पे लगाया वीडियो को, तो उससे पहले मैंने 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, जिससे जो अपना लैपटॉप है थोड़ा सा जो है ना उसका हीटिंग कम हो जाए। तो ये मैंने कर दिया, लगातार मैंने टेस्ट नहीं कराया, तो इससे थोड़ा सा ये होता है कि हीटिंग कम हो जाएगा। बट यार गेम में कुछ कुछ नए नए पावर भी मैंने देखा यार, मतलब बूस्ट छोड़ा अभी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ सही है। अब थोड़ी बहुत हम खेल लेते हैं इसको ऐसे, इसके बाद हम इसको 180p पे भी टेस्ट कर लेंगे।
अब मैंने रिकॉर्डिंग के साथ 180p पे इसलिए टेस्ट नहीं किया क्योंकि 720p में ही भाई लैपटॉप जो है ना हमारा रोने लगा। तब इसको ज़्यादा ना रुलाते हुए हम जो है विदाउट रिकॉर्डिंग इसलिए आ गया कि हाँ भाई विदाउट रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो चलो यार 180p कर लेते हैं हम सेटिंग खोल के फटाफट से। तो 1 मिनट, हाँ तो सेटिंग जो है हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हम आ चुके हैं भाई 180p लो सेटिंग पर। ओ भाई हालत ख़राब हो गया भाई साहब गेम का। देखो हालत 20 FPS में मिल रहा है अभी, मतलब 720p तो इससे फार बेटर था। 180p तो भैया मतलब क्या बोले, गेम अनप्लेबल हो चुका है। तो मुझे तो नहीं लगता यार मैं 180p पे थोड़ी देर और खेल पाऊँगा, बट आपके लिए मैं थोड़ी देर और खेलने की कोशिश करता हूँ ताकि यार शायद FPS बढ़ जाए या फिर कोई ग्लिच हो गया हो, क्योंकि जितने भी न्यू गेम्स हैं उसमें थोड़ा सा ऐसा ग्लिच सा होता है कि यार थोड़ी बहुत खेलोगे तो अचानक से FPS ठीक हो जाएगा और फिर सही रहेगा, FPS कम नहीं होगा। तो देखो यार कुछ ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा इस गेम के साथ, वो कुछ कुछ गेम में हो जाते हैं, कुछ लाख गेम में से एक गेम के साथ ऐसा होता है, बट अभी मुझे इस गेम के साथ कुछ होता है ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 180p पे गेम अनप्लेबल है। तो हम जो है इसके बाद ये कर लेंगे ना कि सेटिंग को वापस से 720p पे कर देंगे और ग्राफिक को हाई कर देंगे। 720p हाई ग्राफिक पे देखेंगे कि भैया क्या FPS हमें मिल रहा है। तो हाँ यार चलो सेटिंग मैं चेंज कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैं सेटिंग में आ गया हूँ और 1 मिनट, सेटिंग को किया जाए बोले तो 720p और इसको किया जाए हाई। तो अब इसको अप्लाई कर दिया जाए, अप्लाई हो चुका है। अब जो गेम देखो यार, गेम तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा बट FPS भाई 180p वाले सेटिंग से भी गंदा आ गया। अब मेरे ख्याल से तो गेम बिल्कुल अनप्लेबल हो चुका है और FPS भी देख लो यार 10-12 ऐसा मिल रहा है, 15 FPS से अंदर ही मिल रहा है हमें, ऊपर नहीं जा रहा है भाई। देख लो 1 FPS भी ऊपर नहीं जा रहा है, 14 और 15। तो यार ये हाई सेटिंग अनप्लेबल है बिल्कुल, मेरे ख्याल से नहीं खेला जा सकता हाई सेटिंग। ये तो भाई 180p से भी गलत चल रहा है भाई। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम कर लेते हैं मीडियम सेटिंग, ठीक है। अब मीडियम सेटिंग पे जो है देखते हैं क्या FPS हमें मिल रहा है। तो 1 मिनट, हाँ मीडियम हो गया सेटिंग। अब जो है हम अप्लाई कर देते हैं फटाफट से और अब देखते हैं कैसा FPS मिल रहा है। अबे यार अभी भी कुछ खास तो नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा FPS बढ़ गया, बस 20 से ऊपर FPS सिर्फ मिल रहा है हमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। अब वो भी ज़्यादा स्टेबल FPS नहीं है भाई, नीचे भी चला जा रहा है, देख रहे हो 15 टच कर गया था, 16 टच कर गया था अभी। तो भाई साहब ये बिल्कुल प्लेबल नहीं है यार, मीडियम भी मतलब लो पे इतना फ़र्क पड़ रहा है, लो पे ज़्यादा अच्छा चलने लग रहा है 30 से भी ऊपर, और मीडियम भाई ये हालत हो जा रहा है गेम का। तो भाई साहब मीडियम पे तो भाई गेम नहीं यार, नहीं खेल सकते। देखो खेल तो सकते हो बट वो जो मज़ा है ना जो मिल रहा था लो सेटिंग पे FPS ज़्यादा, वो नहीं मिलने वाला। और हाई ग्राफिक भी कितना हो गया मीडियम पे, कुछ खास नहीं हुआ। हाई पे सेट करोगे तब ज़्यादा कुछ ग्राफिक बढ़ रहा था। तो अभी हम सेटिंग को कम कर लेते हैं वापस से लो पर, ठीक है ना, आँख को फ्रेश करने के लिए कि हाँ भाई FPS हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो हाँ यार लो पे करते हैं, FPS फिर से हमें ज़्यादा मिलने लगा, मतलब 36 37 ऐसे कुछ FPS मिलने लगा। तो यार एट दी एंड मैं यही बोलूँगा कि यार लो पे खेलो, कोई दिक्कत नहीं, ये गेम 720p लो पे ही खेलने के लिए बना हुआ है। हमारे स्पेसिफिकेशन के लिए भाई 720p लो सेटिंग बेटर है, खेल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसी पे खेलना है, इससे ऊपर की सोचना ही मत, थोड़ी भी ऊपर नीचे करने पे देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो हाँ यार ये कुछ था, देख लिया हमने गेम कैसा चल रहा था। इसी के साथ आप लोगों ने देखा हमारे लैपटॉप के ऊपर ये गेम कैसा चल रहा था। मेरे ख्याल से गेम प्लेबल है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन हाँ ग्राफिक हाई नहीं कर सकते ना कम कर सकते हो, कम करोगे तो गेम ख़राब दिखने लगता है, हाई करोगे थोड़ा भी तो गेम अनप्लेबल हो जाता है। तो गेम खेल सकते हो अभी तक पूरा पे और स्पेसिफिकेशन के ऊपर लो सेटिंग के ऊपर, तो हाँ यार खेल सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, गुड बाय।